हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हे रघुकुल नंदन, यदि आप आज्ञा दें तो एक प्रस्ताव रखूं। कहो। महाराज, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है, अतः आप इसका अनुष्ठान स्वीकार करें। ऐसा प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि जब देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या लगी थी, तब वे अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके ही पवित्र हुए थे। इसलिए आप अश्वमेध यज्ञ का ही अनुष्ठान करें। शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांति। कल्याण हो। महाराज राम, आज आपके जन्म दिवस पर मैं आपका ऋत्विज वशिष्ठ चारों दिशाओं के समस्त ऋषियों की ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आपका सर्वदा कल्याण हो। आप स्वयं मूर्तिमान धर्म हैं, अतः जहां भी आपके नाम का उच्चारण हो वहां धर्म की वृद्धि हो। महाराज, मैं आपके मंत्रिमंडल और अयोध्या के प्रजा की ओर से आपके जन्मदिवस पर आपका अभिवादन करता हूं। इस शुभ अवसर पर यदि गुरुदेव आज्ञा दे तो मैं वो प्रस्ताव आपके सन्मुख रखूं जो प्रजा के मन में है। आर्य सुमंत्र, जो प्रजा के मन में हो उसे राजा तक पहुंचाना मंत्री का कर्तव्य है, उसके लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं। आर्य सुमंत्र, आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए। महाराज, आपके राज्य में प्रजा को समस्त सुख प्राप्त है। अयोध्या में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभी, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले हैं। आपके राज्य में कोई भी कुटुंब ऐसा नहीं जिसके पास गाय, बैल, धरती और धन धान्य का अभाव हो। नगर में कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास सोने के आभूषण न हो। राम राज्य में यह सब कुछ है महाराज, परंतु क्या? ये सब होते हुए भी प्रजा उत्साहहीन और शिथिल हो रही है। कारण? महाराज, राजा का यह भी धर्म है कि वो निरंतर ऐसे महान कार्य करता रहे जिससे उसके राजवंश पर प्रजा का गर्व बढ़ता रहे। जहां केवल स्थिरता रह जाती है वहां धीरे धीरे शीतलता आने लगती है। जीवन और प्रगति के लिए उल्लास आवश्यक है। उल्लास का प्रतीक है उत्सव। जिस राज्य में कोई उत्सव नहीं होता उस राज्य में प्रजाजनों के हृदय बुझे बुझे से रहते हैं। अतः प्रजा का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्सवों का होना आवश्यक है। इसीलिए आपके वंश में सदा राजाओं ने समय समय पर दिग्विजय आदि महान कार्य किए हैं, कई प्रकार के यज्ञ किए हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रजा का उत्साह बनाए रखने के लिए कोई ना कोई उत्सव आवश्यक है। महाराज, आर्य सुमंत्र का यही मत है, हम भी उनसे पूर्णतया सहमत हैं।
यदि सबकी सम्मति हो तो हमारे मन में राजसूय यज्ञ करने का संकल्प आया है। इसे धर्म सेतु भी कहते हैं। यह धर्म का पोषक और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसमें राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है, अतः यही राजधर्म की चरम सीमा है। जो भी राजा इसे करे वो अक्षय यश का भागी होगा। महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करें, परंतु मेरे विचार में आपको ऐसे यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। इसमें यश तो अवश्य मिलेगा, परंतु उसी के साथ भूमंडल के समस्त राजवंशों का विनाश भी हो जाएगा। राजसूय यज्ञ का अर्थ है समस्त राजाओं को युद्ध की चुनौती देना। उससे पृथ्वी पर जितने आत्मसम्मान वाले पुरुषार्थी हैं उन सब का संहार हो जाएगा। हे महाबली रघुनंदन, आज आपके गुणों के कारण इस पृथ्वी के सभी राजा आपको महापुरुष मानकर आपकी ओर उस भक्ति भाव से देखते हैं जैसे पुत्र अपने पिता को देखता है। फिर आपको अपनी शक्ति के बल पर उन्हें झुकाने की क्या आवश्यकता है। हे पुरुषसीन, सारा संसार तो वैसे ही आपके वश में है, आपको ऐसे यज्ञ की आवश्यकता नहीं। हे कैकेयी नंदन, हम तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। शास्त्र कहता है यदि बालक की कही हुई बात अच्छी हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। हे निष्पाप भरत, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है, अतः इस उत्तम यज्ञ की ओर से हम अपने मन को हटा लेते हैं। हे रघुकुल नंदन, यदि आप आज्ञा दें तो एक प्रस्ताव रखूं। कहो। महाराज, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है, अतः आप इसका अनुष्ठान स्वीकार करें। ऐसा प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके ही पवित्र हुए थे, इसलिए आप अश्वमेध यज्ञ का ही अनुष्ठान करें। सौम्य, तुमने अति सुंदर प्रस्ताव रखा है। पूर्व काल में राजा इल जब भगवान शंकर के श्राप से स्त्री बन गए थे तो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके ही उन्होंने पुनः पुरुषत्व को प्राप्त किया था। इसी यज्ञ के द्वारा इंद्र भी ब्रह्म हत्या के पाश से मुक्त हुए थे। हमें भी इस बात का आभास है कि रावण का वध करने से हम भी ब्रह्म हत्या के दोषी हैं। सुना है कि कुंभोदर ऋषि ने हमारे अन्न भंडार से इसलिए अन्न लेना स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमने अभी तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित नहीं किया है। इसीलिए यदि गुरुदेव आज्ञा दें तो हम अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करते हैं। महाराज राम, आप स्वयं पाप और पुण्य की सीमाओं से परे हैं। आपको न पाप स्पर्श कर सकता है न पुण्य, फिर भी हम अश्वमेध यज्ञ करने से पूर्ण रूप से सहमत हैं। इससे रघुकुल की यश पताका चारों दिशाओं में लहराएगी और जैसे आर्य सुमंत्र ने कहा, प्रजा के अंदर भी स्फूर्ति और उत्साह की लहर फैल जाएगी। तो प्रभु, मेरी यह प्रार्थना है कि इस महायज्ञ के प्रमुख ऋत्विज आप होंगे। मुनिवर,
आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराइए और इस यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस प्रकार विघ्न न डाल सकें वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है, आप मेरे गुरु और परम महान हैं। इस यज्ञ के भार को आप ही वहन कर सकते हैं। आप मुझे ये मान दे रहे हैं, इससे मेरा जीवन सफल हो गया। ये जो आपने कहा कि मेरा आप पर विशेष स्नेह है, यह सत्य नहीं। सत्य तो यह है कि मैं आपका परम भक्त हूं। आदिकाल में जब परम पिता ब्रह्मा जी ने मुझे सूर्य वंश का पुरोहित बनने को कहा था तो मैंने ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि मुझे पुरोहिताई का काम अभिष्ट नहीं। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि आगे चलकर इसी कुल में स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे, जिनके पुण्य कर्मों में तुम सहभागी बनोगे। तब मैंने इस कुल का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया और तब से आपके आने की प्रतीक्षा करता रहा हूं। आज आपने इस महान पुण्यकारक यज्ञ में मुझे ऋत्विज कार्य सौंप कर मानो मेरी सहस्रों वर्ष की प्रतीक्षा का ऐसा फल मुझे प्रदान कर दिया जो मुझे कई जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं हो सकता था। मैं इस यज्ञ का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूं। यह यज्ञ ऐसा होना चाहिए जैसा इंद्र, वरुण और चंद्रमा के यहां भी ना हुआ हो। दान दक्षिणा का ऐसा प्रबंध हो कि जब तक याचक बार बार ये न कहे बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तब तक उसे देते रहो। जो आज्ञा महाराज। अरे सुमंत्र। जी महाराज। इस पृथ्वी पर जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, उन सभी को इस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित करो। हमारे राज्य से जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दूसरे राज्यों में चले गए हैं, उन्हें और समस्त तपोधन ऋषियों तथा अन्य अन्य राज्यों में रहने वाले समस्त ब्रह्म ऋषियों को भी आमंत्रित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। शत्रुघ्न को शीघ्र आने के लिए संदेश भेजो, यहां बहुत काम है। जो आज्ञा। भरत, उत्तर पश्चिम में मामा कैकई राज को आमंत्रित करने के लिए अपने पुत्र राजकुमार तक्ष को भेजो। जो आज्ञा महाराज। पूर्व में अंगदेश के राजा लोमपाद, मगधराज और काशी नरेश और पश्चिम में सिंधु, सौवीर और सौराष्ट्र के समस्त भूपालों और दक्षिण देश के समस्त राजाओं को आने का निमंत्रण दो। महाराज सुग्रीव, अंगद, नलनील, जामवंत और हनुमान को शीघ्र आने का संदेश भेजो। जो आज्ञा। हमारे मित्र महाराज विभीषण को राक्षस वीरों सहित आने का निमंत्रण भेजो। हैलंग, तैलंग, कलिंग और गांधार आदि देशों के राजाओं को हमारी ओर से आमंत्रित करो। इस यज्ञ में देवता, नाग, किन्नर और गंधर्व आदि सभी आएंगे, अतः सब अतिथियों की सुख सुविधा और सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। जो आज्ञा। आध्यात्म की परम विभूतियों विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, पुलत्स्य, भार्गव, च्यवन, अगत्स्य, जमदग्नि, पराशर, कश्यप, दुर्वासा, भरद्वाज और महर्षि वाल्मीकि को बुलाने के लिए विशेष दूत भेजे जाए। आर्य सुमंत्र। जी महाराज। महाराज जनक को आमंत्रित करने के लिए हमें स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए था, परंतु गुरुदेव का आदेश है कि हमें इस समय
अयोध्या से बाहर नहीं जाना चाहिए। अतः उनको आमंत्रित करने के लिए लक्ष्मण के पुत्र राजकुमार चित्रकेतु को उनकी सेवा में भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। काका, 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 सुनते हो? राजा राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, सारे नगर में इसी बात के चर्चे हो रहे हैं। तब तो बहुत अच्छा होगा, अयोध्या में फिर से रौनक आ जाएगी, व्यापार कितना बढ़ेगा। हाँ, देश देश के राजा और उनके सैनिक आ रहे हैं, राजमार्गों और नगर की वीथियों में कैसी रेल पेल छाएगी। भैया, अयोध्या में तो खनाखन धन बरसेगा। हाँ सेठ जी, ऐसा ही होगा। जब से सीता रानी यहाँ से गई है, नगरी तो जैसे श्रीहीन हो गई है। हाँ, अब कुछ चहल पहल होगी। अरे रानी भी तो नई आ जाएगी। क्यों काका? अरे तो इतना बड़ा यज्ञ राजा राम क्या पत्नी के बिना ही करेंगे? शास्त्रों के अनुसार पत्नी के बिना तो कोई भी धर्म कार्य नहीं हो सकता, इसलिए यदि यज्ञ का अनुष्ठान किया है तो विवाह की योजना भी अवश्य कर ली होगी। हमारे महाराज राम के आगे तो सारा संसार सर झुकाता है। जिस देश की राजकुमारी अच्छी लगेगी वही राजा अपना हो भाग्य समझेगा। भाई मैंने तो सुना है कि काशी की राजकुमारी बहुत ही सुंदर है और बड़ी मर्यादाशील भी है, और काशी महाराज तो स्वर्गीय महाराज दशरथ के मित्र भी हैं। तुम देख लेना, वही नाता होगा। अरे भैया, मैं एक बात पूछता हूँ, क्या महारानी सीता को वापस नहीं लाया जा सकता? अरे भाई, जिस कलंक के कारण महारानी सीता को वनवास दिया था, महाराज उसी कलंक को फिर अपने माथे पर कैसे लगा लेंगे? भाई, उस समय जो भी हुआ सचमुच वो बहुत अन्याय था। हो सकता है अन्याय ही हुआ, परंतु उन दिनों उस अन्याय के विरुद्ध कोई नहीं बोला, और जब उस समय कुछ नहीं बोला तो अब बातें करने से क्या लाभ? क्योंकि यदि वो अन्याय था तो आज भी उस अन्याय को बदला जा सकता है। बदल कर क्या करेंगे, रानी सीता जीवित ही कहाँ होगी। यदि कहीं होती तो आज तक कोई समाचार तो मिला होता। कुछ भी कहो भैया, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि एक सती स्त्री के साथ जो अन्याय हुआ है उस पाप की भागीदार अयोध्या की सारी प्रजा है। मैं तो कहता हूँ यही अवसर है जब हम सबको राजा पर जोर देना चाहिए कि यदि सीता निर्दोष है तो उसे यज्ञ के लिए वापस बुलाया जाए, नहीं तो समझ लो भैया इस पाप के लिए हम सबको नरक भोगना पड़ेगा। भैया, जब नरक भोगना होगा भोग लेंगे, अभी तो महाराज राम के विवाह की तैयारी करो। यज्ञ की रौनक तो होगी ही, परंतु इससे पहले ब्याह की जो धूम मचेगी उसका आनंद स्वर्गीय आनंद से भी बढ़कर होगा। भाई, मैंने तो महाराज राम की बारात में जाने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या कहते हो, प्रजा ने हमारे विवाह की तैयारियां भी आरंभ कर दी हैं? जी महाराज, लोगों में देश देश की राजकुमारियों के चर्चे भी हो रहे हैं। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि आपने काशी की राजकुमारी का चयन भी कर लिया है। प्रजा कितनी निर्मम हो सकती है? क्या आपको इस बात पर विश्वास नहीं कि महारानी सीता निर्दोष और सर्वथा पवित्र थी? इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। फिर आपने ये प्रस्ताव कैसे रख दिया कि हम दूसरा विवाह कर लें? क्योंकि आप अश्वमेध यज्ञ का संकल्प कर चुके हैं, और ये शास्त्र का विधान है कि मनुष्य पत्नी के बिना किसी धर्म कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकता। या तो महारानी सीता को वापस लाया जाए। जहां तक महारानी सीता को वापस लाने का प्रश्न है, तो पहली बात तो यह है कि महारानी सीता है कहां, और यदि वो मिल भी जाए तो क्या प्रजा उन्हें स्वीकार कर लेगी? अर्थात उनके वापस आने की आशा व्यर्थ है, फिर तो और कोई उपाय नहीं है। परंतु यह उपाय कि हम दूसरा विवाह कर ले हमें स्वीकार नहीं है। प्रजा के लिए हमने अपने सुखों का बलिदान कर दिया,
देवी सीता ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। प्रजा के लिए इतना महान त्याग ये भी राजकुल के लिए गौरव की बात है। बलिदान एक उच्च आदर्श का प्रतीक है। बलिदान से धर्म को शक्ति मिलती है, परंतु हमारे दूसरा विवाह करने से हमारे एक पतिव्रत का खंडन होता है, जिससे धन का ह्रास होगा, उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। महाराज, इससे धर्म संकट उत्पन्न होगा। तो शास्त्रों में खोजिए, ऐसे धर्म संकट का कोई तो उपाय होगा। उपाय है, ऐसे अवसर पर पत्नी के आसन पर पत्नी की मूर्ति बिठाने का विधान है। शास्त्र कहता है कि ऐसे अवसर पर ब्राह्मण कुशा की, क्षत्रिय सोने की, वैश्य चांदी की और शूद्र तांबे की मूर्ति बनाकर साथ बिठा सकता है। महाराज, मैं आपसे सहमत हूं कि आपके लिए किसी और से विवाह करना धर्म विरुद्ध होगा। इसलिए विश्वकर्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो देवी सीता की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण करें। आज्ञा के अनुसार यज्ञ में भाग लेने के लिए महारानी सीता की स्वर्ण मूर्ति बना दी गई है। शिल्पकार की प्रार्थना है, यदि उचित समझे तो महाराज अपने श्रीमुख से इसकी कला के विषय में अपने विचार प्रकट करें, जिससे इसका उत्साह बढ़े। अति सुंदर, शिल्पकार ने अति सजीव मूर्ति का निर्माण किया है। इन्हें हमारी ओर से उचित पुरस्कार प्रदान किया जाए। कल्याणी भिर्युवतिर्भिर्नमर्यः आपोयम्
कौशल देश की राजमाताओं, मैं आपका पुत्र राम इस महान अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करने की अनुमति मांगने आया हूं और इसके निर्विघ्न संपूर्ण होने का आशीर्वाद भी। तुम्हारा ये महान संकल्प सफल हो, इससे रघुकुल की कीर्ति और यश चारों दिशाओं में सुगंध की भांति फैले। राम, तुम जो करने जा रहे हो उसे देखकर स्वर्ग से तुम्हारे स्वर्गवासी पिता और इक्ष्वाकु वंश के समस्त पूर्वज तुम पर गर्व कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा ये महायज्ञ सफल हो।
हे धर्म पिता, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करने की आज्ञा मांगता हूं। इस समय दोनों कुलों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको पिता के स्थान पर मानकर मैं आपसे इस यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। हमारे महान पूर्वज महाराज मिथि ने जो विदेह जनकों की परंपरा स्थापित की थी, उसी परंपरा में स्थित महाराज हर्षवलोमा का पुत्र मैं सिरध्वज नाम का विदेह जनक तुम्हारे इस महान यज्ञ के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से आशीर्वाद देता हूं कि समस्त देवता तुम्हारे इस धर्म कार्य में तुम्हारी सहायता करें। यज्ञ के अश्व को बुला लिया जाए। लक्ष्मण। जो आज्ञा। Thank you.
पतितं हवामहे निधीनां त्वा निधि पतिं हवामहे आहं जानि गर्भधम आत्वं जासि गर्भधम आहं जानि गर्भधम आत्वं जासि गर्भधम। हे यज्ञ के महान अश्व, तुम चारों दिशाओं में रघुकुल का यश फैलाओ और दिग्विजय प्राप्त करो। शत्रुघ्न, तुम अपनी सेना के साथ इस यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए इसके पीछे पीछे चलोगे। यह पुण्यात्मा अश्व स्वेच्छा से जिधर भी जाना चाहे इसे जाने देना। मार्ग में इसके मस्तक पर लिखी चुनौती को पढ़कर यदि कोई इसे रोके या पकड़े तो तुम्हें उससे युद्ध करके इस अश्व को स्वतंत्र कराना होगा। देखो, रघुकुल में हारने की रीत नहीं है, इसलिए मेरे सामने विजयी होकर ही आना। तुम्हारे लौटने तक यह यज्ञ पूजा नित्य प्रति चलेगी और इस दिग्विजय अश्व के लौटने के पश्चात ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। सूर्य वंश की कीर्ति पताका अब तुम्हारे हाथ में है, यह झुकने न पाए। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें।
निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। सोने की रघुकुल की है आन पराजित कहीं न होने की, रघुकुल की है आन पराजित कहीं न होने की। विजय को निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। बंगदेश होके वो कलिंग देश पहुंचा, अंगदेश होते हुए बंगदेश पहुंचा, बंगदेश होके वो कलिंग देश पहुंचा। पांव घोड़े के जहां पड़े मान गए लोहा बड़े बड़े, अश्व ये जहां जहां जाए सूर्यवंशी ध्वज लहराए। पिलाते हैं नाना रामचंद्र का आधिपत्य सबने नत हो माना, रामचंद्र का आधिपत्य सबने नत हो माना। विजय को निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। यज्ञ करे दिन को राम जी के संग में, सांझ समय लीन रहे सभी सत्संग में। अश्व जब लौट के आएगा यज्ञ पूरन हो जाएगा, विजय सर्वत्र प्राप्त करके कीर्ति यश झोली में भर के। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर कर देश विदेश, अपने कौशल राज में कर गया अश्व प्रवेश। हर्ष का सागर लहराया, अश्वमेध की पूर्णाहुति का समय निकट आया, अश्वमेध की पूर्णाहुति का समय निकट